इसलिए मैं कहता हूँ मेडिकल साइंस बुरी नहीं, पर जब वो भी काम ना करे तो इंसान क्या करे। मैंने सोचा है कि चलो ऐसा करते हैं, एक्स्ट्रा कराते हैं, उसमें पता चले। एक्स्रा कराया और रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, नॉर्मल है सब कुछ। राइट नाउ इसी समय में डांटता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जैसे सिस्टर का नाम सुखविंदर कौर है और श्री मोदल कॉलोनी के रहने वाले हैं, और सिस्टर की गवाही जे जे बता रही है कि एक हफ्ता हो गया था और जे अपने बाथरूम से इनका पांव फिसल गया था और जे सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े थे, जिसके कारण इनके राइट साइड वखी में चोट लगी थी और इनकी राइट साइड ही जो टांग थी उसमें भी चोट लगी थी, जिसके कारण जे बता रहे कि जो इनकी वखी की दर्द थी बहुत ही ज़्यादा थी, जिसके कारण जी बहुत परेशान थे। जे बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी ली थी पर फिर भी जो वखी की दर्द थी वो सही नहीं हो रही थी, और वखी के दर्द के कारण जे बहन ना तो सो सकते थे, ना बैठ सकते थे और ना ही लेट सकते थे, जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। जहाँ तक कि जे बता रहे इतनी दर्द भयानक थी कि जे अपनी साइड भी सोते समय चेंज नहीं कर सकते थे, लेफ्ट राइट नहीं कर सकते थे, जिसके कारण बहुत इनको दर्द निकलती थी, और जो इनके राइट साइड टांग में चोट थी उसके बहुत ज़्यादा, उसके कारण इनको चोट के कारण इनको नील पड़ गए थे। हम उस पिक को देखेंगे। और जो इनकी राइट साइड की टांग, इसके बैक और इनके फ्रंट दोनों साइड ही नील पड़े थे एक ही टांग पर, और जो बता रहे हैं कि टांग में भी बहुत ही दर्द होती थी बहुत ही ज़्यादा, जिसके कारण जो बता रहे हैं कि सही तरह से जो कुछ खा भी नहीं पा रहे थे क्योंकि दर्द इतनी ज़्यादा थी, और जो बता रहे हैं कि इन्होंने इतनी मेडिसिन खा ली फर्क नहीं था पड़ रहा। फिर इन्होंने जो बता रहे कि हॉस्पिटल गए मंडे के दिन जी, पिछले मंडे के दिन जी, दो हफ्ते पहले जी अपना टेस्ट अपना एक्स्ट्रा कराने के लिए गए क्योंकि इनको मेडिसिन से कोई फर्क नहीं लग रहा था। तो इनकी फैमिली ने कहा कि हो सकता है इनकी पसलियों में शायद गहरी चोट ना लग गई हो, जिसके कारण इनके दर्द रुक नहीं रही, इतनी मेडिसिन भी खा लिए। तो जैसे इन्होंने अपना एक्स्ट्रा कराया तो पहले हम उस एक्सरे की रिपोर्ट को देखेंगे। तो जैसे इनका एक्स्ट्रा और डॉक्टर ने चेक किया तो उसने बताया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जो बिल्कुल नॉर्मल है। अभी इनका एक्स्ट्रा भी देखेंगे और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो इनकी पसलियों में कोई चोट थी ना दब आई थी, जो बता रहे कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी वो दर्द इतनी ज्यादा थी, इतनी भयानक थी, रुक नहीं रही थी। तो जो बता रहे हैं कि जैसे दर्द ना रुकने के कारण इनकी फैमिली, इनकी बेटियां भी काफ़ी परेशान हो गई थी। तो उस दिन पर्सनल मंडे की मीटिंग थी, तो जैसे जो सुबह पहले एक्स्ट्रा कराकर और फिर जब मीटिंग में आए तो इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ जब बात की तो बताया कि ऐसे बाथरूम से पांव फिसलने के कारण इनके चोट लगी है और बहुत ही दर्द है, चार दिन हो गए, जिसके कारण जो मेडिसिन भी खा रहे फिर भी इन्हें फर्क नहीं लग रहा, और जो सोते समय भी साइड चेंज भी नहीं कर सकते, सीधे ही लेटते थे, जिसके कारण इनसे बैठना भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा था, बहुत दर्द थी। इन्हें पकड़कर लेकर आए थे इनके फैमिली और बहुत ही परेशान थे जे। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके साथ बात की, इनको उत्साहित किया और बताया कि जो भी जे आपके वकी की दर्द है, आपने इतनी मेडिसिन भी खा ली, एक्स्ट्रा भी करवाया, उसके रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आई, और जे कनेक्टिविटी पर भाव के कारण है। और जैसे इनके लिए उस दिन इनको उत्साहित किया और फिर इनके लिए प्रार्थना की गई, ले हैंड पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। डिस्कनेक्ट करता नेम ऑफ जीसस, चल अंधकार की गंदी दर्द, शैतान दर्द देने वाली आत्मा, यीशु के नाम से डांटता हूं इसी समय। गंदी आत्मा, शैतानी आत्मा, अपने प्लान से घराने वाली आत्मा और इस चोट की दर्द देने वाली आत्मा, शट नेम ऑफ जीसस,
पूरी तरह से निकल, इसकी पसलियों से, इसकी पसलियों से शट नेम ऑफ जीसस, पूरी तरह से, पूरी तरह से अंधकार की गंदी दर्द शट पूरी तरह से नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, राइट नाउ इसी समय में डांटता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम से, तो खुदा ने मुझे तेरे पर अधिकार दिया है, उस अधिकार के साथ सारी अंधकार की दर्द शट शट नेम ऑफ जीसस। और जैसे इनके लिए लेहड हो गई, उन्होंने विश्वास किया, प्रार्थना की, और जो बता रहे कि शाम को ही परमेश्वर ने जो बहुत ही दर्द थी, भयानक दर्द थी, इनके बर्दाश्त से भी बाहर थी, जो चल नहीं सकते थे, परमेश्वर ने उस दर्द से इनको फ्री कर दिया। और जो बता रहे कि जो इनके टांग में भी जो नील पड़ गए थे चोट के कारण, काफी ज्यादा दर्द थी, उससे भी परमेश्वर ने इनको आजाद कर दिया। तो सिस्टर जी आप अभी अपने टांग पर दिखाइए, तभी हम सब देख सकते हैं कि कोई भी वो जो नील के चोट के कारण दाग थे, निशान थे, दर्द रहती थी, उससे भी परमेश्वर ने इनको आजाद कर दिया। अभी 2 हफ्ते हो गए परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जैसे इनके लिए लैंड हुई, और जो नेगेटिविटी का प्रभाव था उससे परमेश्वर ने इनको आजाद कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए, जो परमेश्वर ने इनको 1 हफ्ते की बहुत ही ज्यादा भयानक दर्द थी इनकी, इनकी वखी में बहुत ज्यादा इनके टांग में दर्द थी, चोट लगी थी, और परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जैसे इनके लिए प्रार्थना हुई और नेगेटिविटी प्रभाव को इनके जीवन से कैंसिल किया, और अपने सामने से इनको इस दर्द से आजाद कर दिया। कलीसिया उच्च विश्वास से परमेश्वर का हम सब तारीफ करेंगे। कलीसिया जोर से अपने हाथों को उठाते हुए आमेन। मैं हमेशा आपको एक चीज कहता हूं कि मेडिकल साइंस जो वो बुरी नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी। मेडिकल साइंस बहुत अच्छी, बुरी नहीं, पर जब मेडिकल साइंस, जब मेडिसिन कोई काम ना करे तो इंसान क्या करे? क्योंकि ये जो लोग आत्मिक है वो समझ सकते हैं, दुनिया वाले नहीं। शैतान ने कैसे पहले बाथरूम से इन्हें गिरा दिया, बोलो क्या है? अभी आपने देखा इनकी दोनों टांगों पर नील पर, एक एक पे, एक राइट पर पे? उसके टांग के लेफ्ट और पीछे और आगे दोनों है। दोनों टांगों पे थे ना, एक पर है, एक उसके बैक पर थे और इसके आगे, आगे और पीछे दोनों साइड थे, है ना जी। और जिस कारण ये दर्द से बेहाल हो रहे थे, बहुत परेशान थे, भयानक दर्द थे, और समझ नहीं आ रही थी, इतनी मेडिसिन खा रहे हैं कोई फर्क नहीं, जरा सा भी फर्क नहीं। मैंने में सोचा है कि चलो ऐसा करते हैं, एक्सरा कराते हैं, उसमें पता चलेगा। एक्सरा कराया और रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। बोलो क्या है? सब कुछ नॉर्मल है, पर ये दर्द से तड़फ रहे थे, बुरे हाल थे। अभी आपने सुना कि जब रात को सोते थे तो ये जरा सा करवट भी नहीं ले सकते, अपना साइड चेंज नहीं कर सकते थे, लेफ्ट राइट जैसे हम होते हैं जब सोते हैं, कभी एक साइड पे हो गए कभी दूसरी साइड। ये इतने परेशान थे, खाने पीने में इन्हें दिक्कत थी, उठने बैठने में चलने में बहुत ज्यादा परेशान थे, और कोई समझ नहीं आ रही। अब सोचा था कि चलो कुछ एक्सरे में आएगा तो उसके हिसाब से इलाज कराएंगे, रिपोर्ट भी नॉर्मल आई, एक्सरे में भी कुछ भी नहीं आया। बोलो क्या है? पर ये बहुत परे बुरे हाल था इनका। माइक तो है ना, अब थोड़ा बताओ मुझे। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। कितने परेशान थे आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सोने उठने बैठने में बड़ी दिक्कत थी। हाँ जी। खाने पीने को भी कोई मन नहीं करता था? नहीं, मतलब इतनी इतनी मुश्किल में आप आ गए। हाँ जी। और कुछ समझ नहीं आ रही थी? नहीं, मेडिसिन खाने से भी कोई आराम नहीं मिल रहा, नहीं मिलता। सुनो, इसलिए मैं कहता हूँ मेडिकल साइंस बुरी नहीं है,
पर जब वो भी काम ना करे तो इंसान क्या करे। अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथों को हिलाओ, बताओ के लोगों को मेरा परमेश्वर जीवित है। विश्वास से अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए, विश्वास से खुशी से, विश्वास से खुशी से कि मेरा परमेश्वर जीवित है जिस पर मैं विश्वास करती हूं, उसने आज मुझे पूरी तरह से इस भयानक दर्द से, उसने उस प्रार्थना के जरिए अपनी सामर्थ्य से मुझे आजाद कर दिया। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। आमीन।